मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात मेरे पति को नहीं पता चलनी चाहिए। ये कुछ पैसे हैं, रख लो, क्योंकि ये बच्चा मेरे पति का नहीं है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है और नॉर्मल है। तो फिर डॉक्टर साहब, डोली को वॉमिटिंग क्यों हो रही थी? अरे ये सब नॉर्मल है, वो कभी कभी बाहर का खा लेती होंगी ना, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, तो इसलिए वॉमिटिंग हुई है। ये सब नॉर्मल है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। अरे एक मिनट, मैं डॉक्टर से तो पूछना ही भूल गई कि नेक्स्ट टाइम कब विजिट करना है। आप चलो, मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने मेरी इतनी मदद की और मेरे पति को भी कुछ नहीं बताया। ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन आपका हस्बैंड तो इतना लवेबल है, आपकी इतनी केयर करता है, इतना शरीफ लगता है, तो फिर आप उसको ऐसे धोखा क्यों दे रहे हो? डॉक्टर साहब, आपको इन सब से क्या, और वैसे भी आप मेरे घर की सिचुएशन नहीं जानते, और ये बच्चा इसका हो या किसी और का, उससे आपको क्या? आपको आपके पैसे मिल गए ना, आप ही मेरे को रिपोर्ट दे दीजिए। अरे अरे मैडम, आप इस रिपोर्ट का क्या करेंगी? इस रिपोर्ट को यहाँ मेरे पास ही रहने दीजिए। अगर आप इसे घर ले गई तो कोई इसे पढ़ सकता है या देख सकता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं इस रिपोर्ट को जला देता हूँ। हाँ ये भी ठीक रहेगा। चलिए डॉक्टर, मैं चलती हूँ। थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ? हाँ, वो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अंदर आइए डॉक्टर साहब, एक बार बात तो सुन लीजिए आप। अरे अंदर तो आइए, बैठकर करेंगे ना बात। हाँ तो डॉक्टर साहब, आप किस बारे में बात करना चाह रहे थे? वो एक्चुअली मुझे आपको बताना था कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। क्या? आपने बिल्कुल सही सुना, और इसके पेट में जो बच्चा है वो आपका नहीं, वो भी किसी और का है। डॉक्टर आपको पता भी आप क्या बोले जा रहे हो? सुमित मुझे तो लगता है डॉक्टर पागल हो गया, पता नहीं क्या नाप शनाप बके जा रहा है, और हम ना अब से इस डॉक्टर को दिखाएंगे, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे। सही कह रहे हो डोली तुम, मुझे पता था कि आप लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, इसलिए रिपोर्ट में साथ लेके आया हूँ। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, और इसने मुझे 1,00,000 रुपए घूस दी थी ताकि ये बात मैं आपको ना बताऊँ। सुमित मुझे तो लगता है डॉक्टर ना पागल हो गया है, ये जरूर ना इसकी कोई चाल होगी हम दोनों को अलग करवाने के लिए, तुम इसकी बातों को विश्वास मत करना। आपको अब भी शर्म नहीं आ रही? आप अब भी अपने हस्बैंड से झूठ बोल रहे हो? अगर आपको अब भी यकीन नहीं है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो ये देखिए सीसीटीवी फुटेज। देखो सुमित, ये ना झूठ बोल रहा है, पता नहीं क्या बकवास करे जा रहा है इतनी देर से। चुप करो डोली तुम, मैं अपनी आंखों से सब देख चुका हूँ, तुम मेरी पीठ पीछे ये सब करते हो यहाँ पे। डोली अगर तुम खुश नहीं थी तो तुम मुझे बोल देती, मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देता। तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब हरकतें करते हुए? चले जाओ इस घर से, मैं तुम्हारी शक्ल एक मिनट भी नहीं देखना चाहता। और जाओ उसी के पास जिसका ये बच्चा है तुम्हारे पेट में, निकल जाओ मेरी नज़रों के सामने से। थैंक यू डॉक्टर साहब, अगर आप नहीं होते तो मैं इस बात से अनजानी रह जाता।